वायरस एक प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर या फिर हमारे मोबाइल में आ जाता है और वो हमारे कंप्यूटर को स्लो कर देता है, हमारे कंप्यूटर को ख़राब कर देता है, जिसके कारण हमारा कंप्यूटर हैंग करने लगता है। आपने ऐसी भी चीज़ें सुन रखी होंगी कि वायरस से हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, लेकिन क्या आपको पता है कि आजकल के टाइम में कुछ ऐसे वायरस चल रहे हैं जो हमारे फ़ोन में बहुत ही ज़्यादा आसानी से आ जाते हैं और वो वायरस हमारे फ़ोन को ख़राब करते हैं और हमारी यूजर एक्सपीरियंस को ख़राब करते हैं। और ये जो वायरस होते हैं ये आजकल के टाइम में कम से कम 50-60% लोगों के फ़ोन में होता है और इस तरीके के वायरस जो होते हैं वो आपके डेटा को लीक नहीं करते हैं या फिर आपके इन्फॉर्मेशन को लीक नहीं करते हैं, बल्कि वो आपके फ़ोन को मैनिपुलेट करते हैं और वो आपसे पैसे कमाते हैं। तो आज की वीडियो में आपको एक ऐसे ही वायरस के बारे में बताने वाला हूँ जिसका नाम है एजेंट स्मिथ। और इस वीडियो में आपको पता चलेगा कि ये जो एजेंट स्मिथ वायरस है ये आपके फ़ोन में कैसे आता है और ये आपके फ़ोन में क्या इफेक्ट डालता है और आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे आपके फ़ोन में कभी भी वायरस ना आए या फिर आपके पीसी में कभी भी वायरस ना आए। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चलेगा कि एक वायरस आखिर होता क्या है और वायरस काम कैसे करता है और वायरस कैसे एक्टिवेट होता है और वायरस आखिर होता क्या है। तो एजेंट स्मिथ एक ऐसा वायरस है जो हमारे फ़ोन में आता है और हमारे फ़ोन में अचानक से कई तरीके की ऐड आने लगती हैं। जैसे ही हम अपना फ़ोन खोलते हैं हमारे फ़ोन में कई तरीके के ऐड आते हैं, हम कोई भी ऐप खोलते हैं तो हमारे फ़ोन में ऐड आ जाता है और हमारी फ़ोन के होम स्क्रीन में भी ऐड आ जाता है, जिसके कारण हम अपने फ़ोन को जितना यूज़ नहीं करते उससे ज़्यादा हमारे फ़ोन में ऐड्स आने लगते हैं। अब ये जो वायरस है ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ एक वायरस आखिर होता क्या है। अब आपने ऐसी बीमारियों के बारे में तो सुन रखा होगा जो छूने से फैलती हैं। वायरस जो होता है, वायरस भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो अपने आप को मल्टीप्लाई करता है, अपने आप को फैलाता है। और अगर किसी वायरस को आपके किसी भी डिवाइस में आना है तो वो वायरस किसी न किसी मीडियम से आएगा और वो मीडियम कोई ना कोई फाइल होगी, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट होगा। फाइल इन द सेंस म्यूजिक, एप्लीकेशंस, मूवीज, कुछ भी चीज़ के साथ, किसी भी डेटा के साथ वायरस आपके फ़ोन में आ सकता है। अब जो वायरस होता है उनके 4 फेजेस होते हैं। जैसे अब वायरस किसी भी डिवाइस में जा चुका है तो अब वो वायरस 4 फेजेस में एक्टिवेट होगा। तो जो वायरस होता है उसका पहला फेज होता है डॉर्मेंट। इस स्टेज में जो वायरस होता है वो आइडल होता है और वायरस वेट कर रहा होता है अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए। अब जैसे ही वायरस एक्टिवेट होता है वो पहुंच जाता है अपने सेकेंड फेज की तरफ, जिसका नाम है प्रोपेगेशन फेज। इस फेज में क्या होता है, वायरस अपने आप को मल्टीप्लाइंग और अपने आप को रिप्लिकेट, मतलब अपने आप को बढ़ाना शुरू कर देता है। 1 के 2, 2 के 4, ये सारी चीज़ें चालू हो जाती हैं। फिर तीसरा फेज आता है ट्रिगरिंग फेज। इस फेज में जो वायरस होता है वो एक्टिवेट हो जाता है किसी न किसी ट्रिगर के कारण। और ये जो ट्रिगर होता है ये प्रोग्रामर्स लिखते हैं कि अगर फ़ोन या फिर कंप्यूटर में ये चीज़ होती है तो इस वायरस को एक्टिवेट हो जाना चाहिए, या फिर किसी या डेट और टाइम के हिसाब से भी वायरस एक्टिवेट हो सकता है। और चौथा फेज होता है एक्सक्यूजन फेज। इस फेज में वायरस अपना काम चालू रखता है, आपका कंप्यूटर हैंग होगा, लैग होगा या फिर आपका फ़ोन ख़राब होगा या जो भी सारी चीज़ें होंगी, वायरस अपना काम करने लगेगा। अब मैं आपको बताता हूँ एजेंट स्मिथ के बारे में। ये वायरस आजकल 60-70% लोगों के फ़ोन में होता है। ये बात आपको जानना ज़रूरी है कि ये वायरस आपके फ़ोन में तो नहीं है। तो एजेंट स्मिथ एक सिंपल सा वायरस है जो आपके फ़ोन में किसी न किसी तरीके से आ जाता है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा किस तरीके से आता है, आपको उससे कैसे बचना है। और वो हमारे फ़ोन में आके कई कई तरीकों के ऐड हर एक सेकंड, हर एक मिनट देता रहता है, जिसके कारण आप अपना फ़ोन अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते। जितने मिनट आप अपना फ़ोन यूज़ करते हैं उससे ज़्यादा आप अपने फ़ोन में ऐड देखते हैं। अब आप उसको ठीक भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक वायरस जब आपके फ़ोन में आ गया तो अब जब तक आप अपने फ़ोन को रिस्टोर नहीं करेंगे तो वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि हमारे फ़ोन में, स्पेशली फ़ोन में वायरस कैसे आता है। जैसे कि आपको बताओगे कि ऐसी बहुत सारी ऐप्स होती हैं जो हमारे यूज़ की होती हैं या फिर हमारे यूज़ की भी नहीं होती, लेकिन वो प्ले स्टोर में नहीं होती हैं, और हम जब उन ऐप्स को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हम प्ले स्टोर से नहीं बल्कि बाहर से डाउनलोड करते हैं। और ये फर्स्ट स्टेप होता है किसी भी वायरस के हमारे फ़ोन में आने का। आप जैसे ही .apk फाइल आप कहीं बाहर से डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर के अलावा, तो हो सकता है कि वो वायरस उसी फाइल के साथ अटैच होकर आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो गया। और जब वो वायरस आपके फ़ोन में आता है तो वो वायरस अपने साथ साथ आपके फ़ोन के मेन एप्लीकेशंस को भी इन्फेक्ट कर देता है, जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। अपनी स्क्रीन पे आप अभी एक फ़ोटो देख रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि हमारे फ़ोन में कोई भी वायरस कैसे आता है
बेसिकली एजेंट स्मिथ और आपके फोन में ऐड कैसे देता है। अब इसका फर्स्ट स्टेप है यूजर डाउनलोड एजेंट स्मिथ ऐप, मतलब आप कोई भी ऐप बाहर से डाउनलोड करते हैं, प्ले स्टोर से नहीं। इसका सेकेंड स्टेप है ये जो वायरस है ये दूसरे एप्स को भी इन्फेक्ट कर देगा अपने कमांड्स के कारण। और तीसरा स्टेप है आपके फोन में जितने भी ऐप होंगे वो सारे ऐप आपके डिस्प्ले में ऐड दिखाना शुरू कर देंगे फालतू के। अब आप पता कैसे करेंगे कि आपके फोन में ये एजेंट स्मिथ वायरस है कि नहीं। एजेंट स्मिथ वायरस जो होता है वो उन ऐप्स में पाया जाता है जो प्ले स्टोर में नहीं पाया जाता, और इसका सबसे कॉमन जगह है 9 ऐप्स। अगर आप 9 ऐप्स यूज करते हैं तो उनमें से जो आप ऐप्स डाउनलोड करते हैं उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि उनमें ये एजेंट स्मिथ वायरस हो सकता है। तो इसके लिए सिर्फ एक ही सलाह आप ले सकते हैं या फिर एक ही चीज आप यूज कर सकते हैं कि आप कभी भी अपने फोन में प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी दूसरा एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। अगर आप कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप सिर्फ प्ले स्टोर का यूज करें, जिससे आपके फोन में कभी भी वायरस नहीं आएगा। अभी आप अपनी स्क्रीन पे एक फोटो देख सकते हैं जिनमें उन ऐप्स की लिस्ट है जिन ऐप्स के साथ ये वायरस आ जाता है और ये ऐप्स पकड़े गए हैं इन वायरस को सप्लाई करते हुए। और अगर आपको पता करना है कि आपके फोन में एजेंट स्मिथ है या नहीं तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके फोन में हर एक मिनट गूगल्स के ऐड आने लगते हैं। अगर आपके फोन में बहुत ज्यादा गूगल्स के ऐड आ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि गूगल ही आपको ऐड दे रहा है। अब कुछ फोन्स होते हैं जो ओरिजिनली अपने फोन में ऐड दिखाते हैं, जैसे कि MI या फिर सैमसंग, लेकिन ये फोन इतने भी ऐड नहीं दिखाते हैं कि आपका यूजर एक्सपीरियंस खराब हो जाए। तो अगर आप हर बार फोन को अनलॉक करते हैं और आपको हर बार एक ऐड देखने को मिल जाता है या फिर कोई भी ऐप खोलते हैं तो आपको एक ऐड देखने को मिल जाता है, तो जाहिर बात है आपके फोन में ये एजेंट स्मिथ वायरस आ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि आप क्या क्या कर सकते हैं जिससे ये वायरस आपके फोन से चला जाए या फिर आपके फोन में कोई वायरस ना आए। पहला स्टेप, प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। सेकंड, जितने भी एप्लीकेशन आपने डाउनलोड किए हैं दूसरे सोर्सेस से प्ले स्टोर के अलावा, उन सारे एप्स को आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। आपके फोन में एक सेटिंग होती है जिसका नाम होता है अननोन सोर्सेस, जिसको आप जानते होंगे, उसे आप डिसेबल कर दीजिए, जिससे आपके फ़ोन में कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं होगा अगर उसका सोर्स नहीं पता चलेगा। तो जब भी आप कोई भी ऐप को इंस्टॉल करें और इसमें देखें कि वो कौन कौन सी परमिशन मांग रहा है और आपको लगे कि हाँ ये परमिशन इस ऐप के काम की है, जैसे कोई कैमरा ऐप है तो कैमरा ऐप ज़्यादा आपके स्टोरेज की परमिशन मांगेगा और आपके कैमरे की परमिशन मांगेगा। और अगर एक कैमरा ऐप आपके मोबाइल कॉल की परमिशन मांग रहा है तो आप क्यों देंगे कैमरा ऐप को ये चीज़। और लास्ट चीज़ है, अपने फ़ोन में एक एंटीवायरस एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। तो अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी और इससे कुछ नया जानने को मिला तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आपको डेली फैक्ट्स जानने हैं तो आप मुझे द लॉजिकल टॉक फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो देखना है तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।